जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। प्रदीप पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार भी बिल लेके आई है और अब राजस्थान सरकार भी लाने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मुझे ताज्जुब होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक यू टर्न पार्टी बना लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि ये उनके 2019 के घोषणा पत्र में जी, ये उनकी अपनी सरकारों के अलग अलग, जब उनकी सरकारें थी हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उन सरकारों के दौरान इन कानूनों का उन्होंने एजेंडा में भी उल्लेख किया और उस पर काम भी किया। उदाहरण के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम हरियाणा में हुआ हुड्डा की सरकार में, कमलनाथ की जो कमेटी थी उसमें इन्हीं बिंदुओं पर उसने रिकमेंडेशन करी। कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं और 2019 के उस मैनिफेस्टो में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो छपी है जी। अब समस्या ये है कि उनको एकदम से यू टर्न की आवश्यकता क्या पड़ी? तो मैं तो एक ही बात समझ पाया जी, कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश के किसानों का भला हो। वो अंग्रेजों की नीयत से काम करती है, वो जातियों में बांटती है, भ्रम फैलाती है। इन तीनों कृषि कानूनों से, विधेयकों से, एक सामान्य सी बात है, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूं तो किसान जी अपनी उपज को देश में अच्छे दामों पर कहीं भी बेचे, किसको ऐतराज़ होना चाहिए? MSP के बारे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि MSP थी, है और रहेगी जी। मंडियों के बारे में कहा कि मंडियां रहेंगी, तो फिर गतिरोध कहाँ है? भारत के किसान परंपरागत खेती करते थे, क्या भारत का किसान उन्नत खेती नहीं कर सकता? क्या नवाचार नहीं कर सकता? सामान्य चीज़ें थी कि FPO बनेंगे जी, FPO के माध्यम से उसको बहुत सारी तकनीकी समझ में आएगी, उसकी फसल को वो स्टोर कर सकेगा और जब मौका आएगा तो ऊंचे दामों पर बेच सकेगा जी। तो सामान्य प्रावधान है, उनका विरोध करना सहकारी संघवाद का भी विरोध है जी, इस तरीके के प्रगतिशील कानून का भी विरोध है। और ये विरोध है, ये सिर्फ दिखावटी है जी, पॉलिटिकल माइलेज के लिए है जी। और राजस्थान में जो विरोध है वो सिर्फ सोनिया गांधी की, मुख्यमंत्री की चरण वंदना करने का ये उपक्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। कि उनको वही काम करना है जिससे सोनिया गांधी खुश होती है। अभी देखने वो भूल जाते हैं कि ये सोनिया गांधी की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, वाड्रा की, प्रियंका की, राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसको महात्मा गांधी की नीतियों से, स्वावलंबन से, खेती से, खेती की आज़ादी से, उससे कोई सरोकार नहीं जी। अभी देखने को मिला कि एक समाचार पत्र ने एक सर्वे किया था, उसमें सर्वे में ये था कि ज़्यादातर किसान जो सड़कों पे आ गए उन्हें यही नहीं पता कि इस कानून के अंदर क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तो बात की है कि क्या आपकी पार्टी भाजपा ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किसानों को समझाया जाए कि इस कानून के अंदर उनके हित में क्या है, उनके और अहित में क्या है? जो विरोध हमने पंजाब में और हरियाणा में भी देखा है कि सड़कों पर आए थे किसान, तो क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? तो एक पार्टी का दायित्व नहीं है कि उनको समझाया जाए? देखिए, प्रायोजित विरोध है और ये जाहिर हो गया जी। ये बात भी ठीक है कि किसानों को शुरू में ये पता नहीं था कि इस बिल का, जैसे कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, उनको लगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो भी बड़ी कंपनी है, बड़ा ठेकेदार है, बड़ा व्यक्ति पूंजीपति उनकी ज़मीन पर कब्जा लेगा जी। ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि मेरी अपनी ज़मीन, मेरी इच्छा है जी, कि मेरी ज़मीन में यदि टमाटर अच्छे होते हैं, रिलायंस उस पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी जी, मुझे तो मुनाफा ही मिलेगा जी, जोखिम भी उनका है जी। ये भ्रम धीरे धीरे खत्म हुआ है, आप देख रहे हैं पूरे देश में, हरियाणा और पंजाब दो प्रदेशों में बहुत मुखर विरोध है और वो मुखर विरोध भी प्रायोजित था जी। और इसलिए राजस्थान में केवल दो जिलों में एक आंशिक सा था,
कहीं आपको उदयपुर के किसान ने नहीं किए देखा होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का नहीं देखा होगा, कोटा के किसान को आपने नहीं देखा होगा। वो जो दो जिलों में था वो भी प्रायोजित था, उसका भी कारण थोड़ा अलग है। वहाँ जो हमारे जो आढ़ती होते हैं उनका किसान की एक बॉन्डिंग है, एक परंपरागत व्यवस्था है, तो किसानों को लगता था कि हमारी ये व्यवस्था में व्यवधान आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो धीरे धीरे जब क्लैरिटी हुई तो ये आंदोलन भी अब धीरे धीरे समाप्त होगा। जी, राजस्थान के सीएम ने जो पिछले दिनों जो भी सियासी ड्रामा रहा है, तो उस वक्त जो सचिन पायलट के लिए जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, और चाहे हम बात करें कि राजभवन के घेराव के वक्त में अमर्यादित शब्दों का जो इस्तेमाल किया था, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? और हमने भी, मीडिया ने भी, सबने पहली बार देखा अशोक गहलोत जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हाँ, एक ताज्जुब था, आश्चर्य था कि इतने परिपक्व नेता हैं जी, और वो परिस्थितियों से विचलित हुए जी। पार्टियों के भीतर विरोध, सरकारों का विरोध, ये इस लोकतंत्र में होता है जी, नाराजगी भी होती है जी। लेकिन और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन के बाद जी, और इस तरीके की प्रतिक्रिया मेरे लिए आश्चर्यजनक थी, और वो भी अपनी पार्टी के पीसीसी चीफ के लिए जी, तो आश्चर्यजनक थी, नहीं होना चाहिए। जो पिछले दिनों सियासी ड्रामा रहा, उसकी वजह से जो राजस्थान का, प्रदेश का जो विकास है वो कितना प्रभावित हुआ, आप क्या मानते हैं? नहीं, विकास तो ये पहले भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बात का इनके पास कोई तर्क नहीं था जी, कि कोई भी सरकार जो लोक कल्याण का वादा करती है और वो दो महीने बाड़े में बंद रहे जी, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोई आपकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, आपकी अपनी पार्टी टूट रही है और आप होटलों में कैद हैं जी। तो एक सरकार के जो कामकाज का जो प्राइम टाइम था वो तो आपने होटल की कैद में बिता दिया। आपके पास पूरा मैंडेट नहीं था, आपकी जुगाड़ की सरकार है, आपने बीएसपी को जुटाया, आपने कुछ इंडिपेंडेंट्स को जुटाया, तो केवल आपने जुगाड़ से सरकार बनाई, आपने जो बातें कही उसको आपने लागू ही नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आपने कहा 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे जी, 20 महीने हो गए संपूर्ण कर्जे माफी की बात की। आपकी सल्तनत में सैकड़ों किसानों ने केवल इसलिए आत्महत्या कर दी कि उनका कर्जा नहीं चुकाया गया। तो ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी और हर फ्रंट पे फेल है। जो चीज़ें कही गई, चाहे वो आर्थिक प्रबंधन है, चाहे कोरोना का कुप्रबंधन है, चाहे ग्रामीण विकास है, चाहे खेती है, चाहे बेरोजगार है, कुल मिलाकर प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और सरकार कुछ कर नहीं पाई, हर पैरामीटर पर फेल हुई। अशोक गहलोत जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाते, और उसके अलावा उनके जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनकी कार्यप्रणाली को आप कितना नंबर देंगे अभी तक, और उसका कैसे आकलन करते हैं? राजस्थान की सरकार किसी जमाने में जैसे जिम्बाब्वे की क्रिकेट की टीम होती थी, सी कैटेगरी की, जिसको न खेलना आता था न टिकना आता था, खाली वो उपस्थिति थी। तो इस सरकार की भी स्थिति यही है कि वो भी अपनी चमक खो चुके, अशोक गहलोत जी भी, जैसे खिलाड़ी का एक जीवन होता है, वो भी अपनी चमक खो चुके, और टीम के नाते ये उनके साथ अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ में जो उनके इस तरीके के सैनिक जो हैं मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, या तो उम्रदराज हैं और या बिल्कुल नौसिखिए हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी उम्रदराज हैं उनका भी कमिटमेंट नहीं दिखता, नौसिखी हैं उनका भी कमिटमेंट नहीं दिखता, न पॉलिटिक्स के प्रति, न पार्टी के प्रति, न जनता के प्रति। तो ये अशोक गहलोत जी के साथ अनफॉर्चुनेट है कि उनको एक अच्छा मंत्रिमंडल नहीं मिला और वो खुद भी अपनी चमक खो चुके। आप संघ पृष्ठभूमि से हैं, आपको खाटी संघी कहा जाता है, तो ऐसे में 2023 के अंदर क्या आला कमान जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो 2023 में राजस्थान का नेतृत्व हरियाणा की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकता है? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे पार्टी ने जब जो जिम्मेवारी दी मैंने उसको पूरा किया है, और राजनीति में ऐसी चर्चाएं चलती हैं आधार के भी बिना आधार के भी, लेकिन मेरा जो फोकस है और मेरी जो इच्छा है कि राजस्थान में एक परिपाटी चल पड़ी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी,
वो गलती करेंगे, हम गलती करेंगे वो आ जाएंगे, हम गलती करेंगे वो आ जाएंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान में हमारी सत्ता गई तो वो हमारी अपनी कमजोरियों के कारण गई, उनमें खूबी नहीं थी, हमारी कुछ अंदरूनी कमजोरियाँ थी, कुछ हमारी तैयारी में, कुछ हमारी योजना में कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए अब मैंने ये तय किया, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी इतनी, लोग मुझसे पूछते थे इतनी बड़ी पार्टी तब क्या बाकी रह गया जी? केंद्र में सरकार है, संसद में 25 सीटें आपकी, आप जीते हो, बहुत ग्रास रूट से आप लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, पंचायतों से होते होते विधानसभा में भी आपकी एक बड़ी संख्या रहती है। तो मेरे मन का जो पहला भाव अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे आपने पूछा चुनौती क्या है, तो मैंने ये तय किया है कि मैं इस धारणा को तोड़ूंगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अभेद्य पार्टी बनाऊंगा, अजेय पार्टी बनाऊंगा। यही कार्यकर्ताओं को संदेश भी देता हूं और ये मेरा कमिटमेंट है जी। पार्टी मुझे क्या बनाती है, कब बनाती है, कैसे बनाती है, ये पार्टी को फैसला करना है। और इसलिए मैंने अपने संगठन पे, पार्टी पे, उन पर छोड़ा है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं पूरी मजबूती से उस पर काम करूंगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपने लंदन में गए थे आप प्रवासी राजधानियों के सम्मेलन के अंदर, तो वहाँ पर देखने को मिला कि आप लंदन के अंदर संघ के कार्यालय में भी गए और उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्मारक है जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी वहाँ भी गए, तो आपने क्या महसूस किया और उसके अलावा प्रवासी राजस्थानियों को पार्टी से जोड़ने का कैसा कार्य किया? देखिए, लंदन की यात्रा, वहाँ के राजस्थान एसोसिएशन के निमंत्रण पे गया था और प्रवासी राजस्थानियों से, क्योंकि यह उत्कंठा थी कि भारत के लोग बाहर कैसे काम करते हैं, राजस्थान के लोगों की बाहर में उपस्थिति कैसी है। मुझे अच्छा लगा कि लंदन में, इंग्लैंड में भारत के और ख़ासतौर पर राजस्थानियों की एक अच्छी दमदार उपस्थिति जी। मैं वहाँ वहाँ के सांसद बॉब ब्लैकमैन से मिला, बाकी जितने और लोग थे राजस्थानी उनसे भी मिला। मैं केवल पर्यटन के लिए नहीं गया था, किसी काम मकसद से गया था, इसलिए मैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे भी गया, मैं अंबेडकर जी के उस स्थान पे गया जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ निवास किया, मैं उस जगह भी गया जहाँ कैक्सटन हॉल पर जहाँ ऊधम सिंह ने गोली मारी। तो ऐसे कुछ ये स्मारक हैं हमारे कि जिन पर जाकर अपने आप में एक ऊर्जा वहाँ पर मिलती है, एक संदेश भी जाता है जी। राजस्थान क्योंकि बड़ा प्रदेश है, आज प्रवासी राजस्थानी दुनिया के हर हिस्से में है, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ के सामाजिक और बाकी का क्रियाकलापों में उनका योगदान हो। सामाजिक तौर पर भी वो करते भी हैं लेकिन वो थोड़ा और करें जी। वो विदेश में हैं, वहाँ काम करते हैं लेकिन देश को भी नहीं भूलें जी। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लोगों का मन अब स्वदेश की तरफ हुआ, काम काज के लिए, उद्योग धंधों के लिए। तो एक मंशा यही है कि जैसे पर्यटन एक बड़ा सेक्टर है जी। तो वो उनमें से कुछ लोग पर्यटन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइनिंग एक बड़ा सेक्टर है, खेती में कुछ नवाचार वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रवासी लोग हैं राजस्थान में, उनका आर्थिक सामाजिक तौर पर योगदान हो, ये मेरी मंशा थी और यही बात मैंने की। आपके लिए राजनीतिक पंडित और विश्लेषक कहते हैं कि आप एक लो प्रोफाइल नेता के रूप में आपकी छवि है, और देखा गया है कि आपने एक ही जाति नहीं, राजस्थान की सभी 36 कौम की जातियों को साथ लेके चल रहे हैं, सभी वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपकी एक सर्वमान्य नेता की एक छवि उभर के आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बाहर से लो प्रोफाइल हूँ और अंदर से हाई प्रोफाइल हूँ, और इस मिश्रण के साथ ही काम करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे बैटिंग करनी है और मैं बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ, और जो संस्कार थे उन्होंने ये इजाज़त दी है कि हम सब समाज को साथ लेके चलें। मैंने कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। मैं एक जाति विशेष से हूँ लेकिन मेरी पहचान एक पूरे समाज की है। मैं अपनी जाति के स्वाभिमान को भी याद रखता हूँ, उनके भी सामाजिक तौर पर जो भला कर सकता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मुझे जो किसी बुजुर्ग ने और मेरी पार्टी के या संगठन के जो किसी सीनियर ने सीख दी थी वही था कि एक जाति का नेता बनना आसान है, सब जाति को साथ लेकर नेता बनना मुश्किल है, और मैंने मुश्किल रास्ता चुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए। नमस्कार। जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी।
चप्पा चप्पा भाजपा।